हेलो बच्चों, क्लास 10th हिंदी मीडियम। पिछले लेक्चर में हमने सवाल नंबर 16 तक किए थे, आगे आप सवाल नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 17 देखो क्या कहता है। कहता है, एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल में क्या वैसे प्रदूषण जो नॉर्मल है उस प्रदूषण को कम करने के लिए तो उन्होंने पेड़ लगाने के लिए सोचा है भाई। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इस हिसाब से मान डिसाइड किया गया, जैसे मान लो कि 5th क्लास है तो 5 पौधे लगाएगी, 6th क्लास है 6 लगाएगी, 10वीं क्लास है 10 पौधे लगाएगी। उदाहरणार्थ आगे बता भी लिखा है, उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, मतलब एक पार्ट है, जैसे सेक्शन बने होते हैं, 5वीं क्लास है तो एक सेक्शन 5 लगाएगा, दूसरा भी 5 लगाएगा, ठीक है। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, अगर ये भी बता दिया, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पौधे, नॉर्मल सी बात है, कक्षा तो एक ही लगाएगी, पर उसके भाग 3 है तो एक एक तीनों लगाएंगे तो कुल पौधे कितने लग गए, 3। इसी तरह कक्षा जो 2 है के द्वारा लगाए गए पौधे, कक्षा 2 लगाएगी तो 2 पौधे, और 3 सेक्शन है तो 2 कितने हो गए, 6। इसी तरह कक्षा 3 वो 9 पौधे लगाएगी, तो इस प्रकार कक्षा 12 तक है वो कक्षा 12 तो 12 पौधे लगाएगी, पर 3 सेक्शन है तो 12 ये कुल मिला के क्या बन गया, 36 पौधे। तो एपी आपकी बनी बेटा 3, 6, 9 करते करते 36। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है कि कितना है। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कैसे रिपीट हो चुका है, आपको इनका जोड़ याद करना है, SN निकालने, S जोड़ याद करना है, तो SN वाला फार्मूला, और SN में N का होना जरूरी है, यहाँ N नहीं आपके पास। तो इस तरह का सवाल कल भी सोलो किया था, और उससे पहले दूसरा सवाल हमने जो सोलो किया वो है ये। तो पहले AN वाला फार्मूला लगाओगे तो N की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उस N की वैल्यू को यूज करते हुए SN वाला फार्मूला आपको करना है। तो बेटा ये सवाल आपको अपने आप करना है। आगे बेटा सवाल नंबर 18, कहता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0 डैश डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आपको आकृति में दिखा रखा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, पाई की वैल्यू है 22/7। तो देखो बेटा, इसने आपको आकृति भी दे रखी है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए को केंद्र माना, तो यहां से एक अर्धवृत्त खींच दिया, ये बी तक चला गया, ये ए को केंद्र मान के आधा वृत्त खींच दिया। अब बी को केंद्र माना जाएगा, ठीक है, अब भी इसको केंद्र माना जाएगा, तो यहां से आगे बढ़ा दिया ऐसे। देखो अब ये केंद्र हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। अब इस ए को केंद्र माना जाएगा, ए केंद्र है तो ये ऐसे, देखो ए बीच में आ गया ना इस वृत्त के, तो इस तरह करते करते ये 13 अर्धवृत्त बन गए। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और हर एक की त्रिज्या आपको दे रखी है, पहले की 0.5 है, फिर आगे बढ़ा हुआ 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, इस तरह कहता 13 बनाए गए हैं। तो आप बताइए इन 13 अर्धवृत्तों के खींचने में कुल कितनी लंबाई है। तो लंबाई का मतलब यहाँ घेरा हो गया बेटा, कि ये जैसे कितना लंबा है, तो ये ज्ञात करना चाहिए, पैरामीटर परिमाप ज्ञात करना है, और ये आधा वृत्त है तो अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो इन सभी अर्धवृत्तों
वृत्तों की लंबाई। तो बेटा अर्ध वृत्तों की जो लंबाई है वो कैसे ज्ञात की जाती है? पाई आर फार्मूला होता है। पूरा परिमाप का होता है 2 पाई आर, अर्ध वृत्त है तो पाई आर। तो आर एक बार आपका 0.5 है, ये तो पहले वृत्त का है। इसी तरह दूसरे वृत्त का 1.0 आर है, तीसरे का 1.5 है, डैश डैश ये चलता जाएगा। तो ध्यान से देख रहे हो तो पाई कॉमन आ रहा है, ये 0.5 बच गया, ये 1.0 बच गया, 1.5 डैश डैश। तो अब आपको इनका जोड़ कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये एपी बन रही है। तो ए की वैल्यू 0.5 और डी की वैल्यू इसमें से जाएगा, ये भी 0.5 और एन की वैल्यू 13, क्योंकि सारे 13 है। तो पाई की वैल्यू इसने दे रखी है 22/7 गुणा एस एन वाला फार्मूला लगेगा, n/2, एन आपका 13/2 हो गया। 2 ए की जो 0.5 प्लस 13 में से गया 12, डी की वैल्यू 0.5। थोड़ा सोलो करो भाई, 22/7 13/2, इसको सोलो किया 5/10, इसी तरह इसको सोलो किया 5/10। 22/7 गुना 13/2, तो ये आपका 5 × 2 = 10/10 आ गया, ये 12 × 5 = 60/10। काटने को काट दो, पर एलसीएम ले लो, 22/7 13/2 10 एलसीएम आया, तो 60 और 10 70 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो 0 से आपका 0 कटा, 7 से आपका 7 कटा है, 2 से आपका 22 11 पे कटा। तो 11 × 13 कितना हो गया, 143 सेंटीमीटर। तो ये जो कुल लंबाई है वो 143 सेंटीमीटर आ गई है। ओके बेटा, आगे सवाल नंबर 19 को ध्यान से पढ़ो, है तो इजी पर फिर भी स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझ आएगा। सवाल नंबर 19 कहता है, 200 लट्ठों को एक डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, नीचे नीचे उसमें 20 है, उससे ऊपर वाले में 19 है, उससे ऊपर वाले में 18 है इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? बोलो आपका जो एन है वो क्या होगा। तो पहली पंक्ति में लट्ठे, दूसरी में एक कम है 19, तीसरी में 18। तो इस प्रकार एक एपी बन रही है, 20 19 18 डैश। अब कुल है वो 200 लट्ठे, कुल मतलब सारों का जोड़ है वो एस एन है। तो ए की वैल्यू 20 आ गई आपकी, डी की वैल्यू 19 में से 20 गया माइनस एक आ गया, और एस एन आपको क्या दे रखा, 200। तो कौन सा फार्मूला प्रयोग करोगे, एस एन वाला, ये फार्मूला होता है। तो आपको एस एन की वैल्यू क्या रख दोगे, 200, एन तो निकालना ही है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, सोलो करोगे तो आपका एन निकल आएगा। आपसे एक चीज शायद ना हो कुछ बच्चों से, बाकी बच्चे तो कर लेंगे, इसको जब सोलो करोगे तो एक द्विघाती समीकरण बनेगी, हो सकता है कि आपसे उसके गुणनखंड ना बने, तो आप कमेंट करोगे कि सर 19 नंबर सवाल की गुणनखंड क्या है, तो मैं गुणनखंड ही आपको बता दूंगा। अगर मान लो गुणनखंड की प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ ये पूछ सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 19 के फैक्टर क्या है, और अगर ये सारा ही समझ ना आए तो आप ये कह सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 19 दोबारा करो। ओके बेटा, तो ये सवाल नंबर 19 है, उम्मीद करूंगा कि आप अपने आप करोगे। अब बेटा अपन चैप्टर के एंड में है, अब मेरे को नहीं लगता कि जो बातें मैं आपको 3-4 बार पहले बता चुका हूं उन बातों को दोबारा भी बताना चाहिए। अब इस तरह क्वेश्चन आप 2-3 कर चुके हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी कर चुके हैं, तो अब आपको ये चीजें अपने आप करनी पड़ेगी। सवाल नंबर 20 आखिरी सवाल कहता है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आगे बोला, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना
प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रखती है। दूसरी आलू उठाने के लिए वापस फिर दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में फिर वापस रखती है। इस तरह वो करती रहती है। तो देखो हमें कुल दूरी ज्ञात करनी है। मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या क्वेश्चन है। यहाँ एक बाल्टी रखी गई है बेटा, ठीक है, ये आपकी बाल्टी हो गई। यहाँ इसने क्या किया, एक लाइन लगा दी। पहला आलू यहाँ रख दिया 5 मीटर की दूरी पर, फिर आगे 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रख दिया। तो एक प्रतिभागी जो है वो क्या करेगा, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, इधर आएगा, आलू उठाएगा, वापिस छोड़ने आएगा, फिर यहाँ से दोबारा भागेगा, यहाँ आएगा और वापिस छोड़ने आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा और वापिस छोड़ने आएगा। तो कहता है कुल मिला के ये कितना मीटर दूर भाग जाएगा अगर 10 आलू को इस हिसाब से अगर उठाने जाए तो। तो देखो पहले आलू को उठाने में, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में, उठाकर बाल्टी में रखने पर तय की गई दूरी। समझ आई आपको बात? दोबारा देखो, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में रखने पर तय की गई दूरी, फिर यहां से उठाया और वापिस रखा तो कितनी दूरी हो गई? तो 5 इधर आया और 5 वापिस गया, तो कितना मीटर हो गया? 10 मीटर। इसी तरह पहले के बजाय यहाँ क्या कर दो गया, दूसरे दूसरा आलू को उठाएगा तो यहां से भागा, तो देखो 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 ही वापिस गया तो कितना हो गया, 16 मीटर। इसी तरह दूसरे के बजाय क्या हो गया, तीसरे। अब तीसरे पे आज जो 3 तो बहुत होते हैं, तो 5 3 8 3 11 और 11 2 22 मीटर। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार एपी, इस प्रकार जो आपकी एपी है वो 10 16 22 डैश डैश डैश। तो ए की वैल्यू 10 आ गई, डी की वैल्यू 16 में 10 किया 6 आ गया, और एन की वैल्यू 10 आ गई। कुल 10 आलू है, तो इन सारों का जोड़ ज्ञात करना, तो कौन सा फार्मूला, एस एन। ओके बेटा, सारी चीज है तो उम्मीद करता हूँ आप इसको पूरा कर लोगे। एन है, ए है, एन है, डी है, तो सब कुछ है, तो आगे आप इसको पूरा कर सकते हो। तो ये बेटा सवाल नंबर 20 था और आखिरी सवाल था। तो ये आखिरी सवाल था तो इसका मतलब हमारी 5.3 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आज आपको ये 4 क्वेश्चन तो करने ही करने, इसके साथ इसके जो उदाहरण है बेटा, मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, भूल के भी इन उदाहरणों को नहीं छोड़ना है। इनका आप छोड़ तो किसी को ही नहीं रहे, किसी को नहीं छोड़ना है। उदाहरण भी एक जैसे एक्सरसाइज के सवाल होते हैं वैसे ही उनके बराबर के होते हैं। तो कई बार आप ये सोच के इनको छोड़ देते हैं, यार एक्सरसाइज कर ले तो उदाहरण तो कर ही लेंगे। ठीक है बेटा, कर लेते हैं, पर जब सीधा पेपर में उस सवाल को देखते हैं तो आप में से कुछ बच्चे गलती कर देंगे, तो इसलिए उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटा ये एग्जाम्पल आपको साथ साथ करने हैं, और आज जो घर से करने हैं 11 12 13 14 15 16, ये जितने भी 5-6 एग्जाम्पल बने, क्योंकि आज सवाल थोड़े मिले आपको, 4 ही मिले, तो ये जो एग्जाम्पल है और सवाल है ये मिला के आपको करने हैं। पहले एक्सरसाइज खत्म करो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल खत्म करो, और ये आपका चैप्टर नंबर 5 पूरा हो गया। थैंक यू।